गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 26 एडवर्बियल. ओपन योर पेज नंबर 40 इन गोल्डन ग्रामर. यहाँ पे एडवर्बियल में हमें टू जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लर्न करना है. फर्स्ट है SVA, उसका मीनिंग है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्बियल. सेकंड है यहाँ पे SVOA, उसका मीनिंग यहाँ पे S का मीनिंग है सब्जेक्ट, V का मीनिंग यहाँ पे वर्ब, O इट मीन्स ऑब्जेक्ट एंड A इट मीन्स एडवर्बियल. तो यहाँ आपको SVA एंड SVOA दोनों के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको देखने हैं. फर्स्ट, अ वर्ड और अ फ्रेज और अ क्लोज दैट डज द वर्क एंड एडवर्ब इज कॉल्ड एंड एडवर्बियल. ऐसा वर्ड या फिर ऐसा फ्रेज या फिर ऐसा क्लोज दैट डज द वर्क, वो जो वर्क करता है ऑफ एंड एडवर्ब, एडवर्ब के फॉर्म में, इज कॉल्ड एंड एडवर्बियल, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एडवर्बियल. यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं. फर्स्ट है वी लेफ्ट दी पार्टी अर्ली. तो यहाँ पे आपको कहा गया वी लेफ्ट दी पार्टी, तो वी यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट, लेफ्ट यानी कि वो है वर्ब एंड दी पार्टी, तो ये हो गए यहाँ पे क्या उन्होंने छोड़ा, तो लेफ्ट दी पार्टी और अली हो गया यहाँ पे आपका एडवर्बियल. ओके, सेकंड है इसमें वी लेफ्ट दी पार्टी बिफोर टाइम, तो वी यानी कि हमने, तो ये है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, लेफ्ट दी पार्टी वो है वर्ब एंड बिफोर टाइम, कैसे, तो किस टाइम, तो बिफोर टाइम, टाइम से पहले ये पार्टी हमने छोड़ दी, तो ये होगा यहाँ पे बिफोर टाइम, जो आपको रेड मार्क में दिया गया है वो है आपका यहाँ पे एडवर्ब. थर्ड है इसमें वी लेफ्ट द पार्टी बिफोर इट एंडेड, हमने पार्टी छोड़ दी, रेड मार्क में आपको दिया गया है बिफोर इट एंडेड, वो उसका एंड होने से पहले, तो वो भी है यहाँ पे आपका एडवर्बियल. आपको यहाँ कहा गया है कि इन द सेंटेंस अबव, जो भी सेंटेंस आपको यहाँ अबव दिए गए हैं दी वर्ड्स अर्ली, जैसे कि इसमें वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है अर्ली, वो यहाँ पे आपको वर्ड के फॉर्म में दिया गया है. सेकंड सेंटेंस में आपको दिया गया है यहाँ पे बिफोर टाइम, ये है आपका फ्रेश. थर्ड है यहाँ पे बिफोर इट एंडेड, वो है आपका क्लोज. ऑल टेल अस व्हेन द फैमिली लेफ्ट द पार्टी, सबको हम ऐसा कह सकते हैं, उसका क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं व्हेन द फैमिली लेफ्ट द पार्टी, तो उसका आंसर दे सकते हैं अर्ली. व्हेन द फैमिली लेफ्ट द पार्टी, तो उसका आंसर होता है यहाँ पे बिफोर टाइम. एंड व्हेन द फैमिली लेफ्ट द पार्टी, तो उसका आंसर होता है बिफोर इट एंड. तो यहाँ पे हम व्हेन से जब क्वेश्चन करते हैं तब हमें एडवर्बियल मिलता है. ऑल आर डूइंग द वर्क ऑफ एडवर्ब्स, ये सभी है जो एडवर्ब के फॉर्म में वर्क करते हैं. ऑल थ्री आर एडवर्बियल्स, या सभी है वो आपके एडवर्बियल हैं, जो आपको वर्ड के फॉर्म में, फ्रेज के फॉर्म में और क्लोज के फॉर्म में यहाँ दिया गया है. सम सेंटेंसेस हैव ओनली एन एडवर्बियल आफ्टर द वर्ब, सम सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एडवर्ब कब कहाँ लिखा जाता है, तो वो आफ्टर द वर्ब, वर्ब के आफ्टर यहाँ पे एडवर्बियल लिखा जाता है, जिसकी यहाँ आपको टेबल के फॉर्म में यहाँ दिया गया है. एस वी ए, फर्स्ट उसकी स्ट्रक्चर दी गई है, एस का मीनिंग सब्जेक्ट, वी का मीनिंग वर्ब और ए इट मीन्स एडवर्बियल. तो यहाँ पे आपको कॉलम में दिया गया है सब्जेक्ट वी, वर्ब सेट एंड एडवर्बियल है नियर दी पॉइंट. सेकंड सेंटेंस है उसमें वी, वर्ब है मेट एंड एडवर्बियल है यहाँ पे दी नेक्स्ट डे. तो यहाँ आपको जो लास्ट में दिया गया है वो एडवर्बियल है जो वर्ब के आफ्टर आता है, तो उसके रिलेटेड आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है जो सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्बियल की है.
फर्स्ट यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन आपको देखनी है, राइट द फॉलोइंग करेक्टली इन द कॉलम्स बिलो। यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं वो आपको ये जो कॉलम्स है उसमें करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमको देखना है यहाँ पे, एवरीवन गेदर अराउंड द वेल। तो फर्स्ट तो हम थ्री कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कॉलम में राइट करते हैं सब्जेक्ट, सेकंड में वर्ब एंड थर्ड एडवर्बियल। फर्स्ट सेंटेंस, एवरीवन गेदर अराउंड द वेल। तो इसमें किसकी बात की गई है? एवरीवन की। तो एवरीवन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। अब एवरीवन क्या करते हैं? तो वो गेदर हुए, तो गेदर यहाँ पे आपका वर्ब है, तो वर्ब में लिखेंगे यहाँ पे गेदर। एंड लास्ट है अराउंड द वेल। कहाँ वो इकट्ठे हुए, कहाँ वो गेदर हुए? तो अराउंड द वेल, वेल के आसपास। तो ये हो गया आपका एडवर्बियल। एडवर्बियल को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। एक्शन के फॉर्म में जो हमें बात की गई होती है उसे कहते हैं यहाँ पे एडवर्बियल। सेकंड सेंटेंस, स्नो फेल ऑल अराउंड अस। तो किसकी बात की गई है? तो स्नो की। तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है स्नो, वर्ब यहाँ पे फेल यानी कि गिरना। कहाँ गिरा हुआ है? ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। थर्ड, दी चिल्ड्रन विस्पर्ड नाउ एंड देन। चिल्ड्रन है वो विस्पर्ड हो रहे हैं नाउ एंड देन, अभी और फिर बाद में। तो फर्स्ट किसकी बात की गई है? दी चिल्ड्रन की। क्या कर रहे हैं वो? विस्पर्ड यानी कि धीरे धीरे बात कर रहे हैं। किसकी? तो अभी की और बाद की, नाउ एंड देन। फोर्थ सेंटेंस, द गर्ल लुक्ड एज प्रीटी एज अ पिक्चर। तो किसकी बात करें? कौन लुक कर रहा है? तो वर्ब है यहाँ पे लुक। कौन लुक कर रहा है? तो यहाँ पे द गर्ल। तो द गर्ल हो गया आपका सब्जेक्ट, लुक यानी कि देखना वो है वर्ब। क्या देख रहे हैं वो? एज प्रिटी एज अ पिक्चर यानी कि सुंदर सा एक पिक्चर। तो वो हो गया आपका एडवर्बियल, एज प्रिटी एज अ पिक्चर। फिफ्थ सेंटेंस, सीरिंस वेर हर्ड लाइट नाइट लास्ट नाइट। तो सीरिंस वेर हर्ड लास्ट नाइट, सीरिन ने लास्ट नाइट को सुना था। तो यहाँ पे सीरिन की बात की गई है, तो वो है आपका सब्जेक्ट। वेर हर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो आपके टू वर्ब्स है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स वेर यूज़ किया गया है और हर्ड है वो आपका मेन वर्ब है। तो टू वर्ब्स से आपको वर्ब के कॉलम में लिखना है। टाइम कौन सा दिया गया है? लास्ट नाइट। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। सिक्स्थ सेंटेंस, द किटन्स डांस लाइक फेरिस।
कीटन है वो डांस कर रहे हैं जैसे कि फेरी की तरह। तो कीटन की बात की गई है तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट द कीटन्स, वर्ब है यहाँ पे डांस्ड। लाइक यानी कि ये वर्ब नहीं है लेकिन जैसे कि फेरिस, तो लाइक फेरिस वो हो गया आपका एडवर्बियल। सेवन सेंटेंस है यहाँ पे दी क्राउड मटर एंग्रीली, ये जो क्राउड है वो मटर कर रहा है, मटर का मीनिंग है छोटा छोटी बातें करना धीरे धीरे से, एंग्रीली वो एंग्रीली होके मटर कर रहे हैं बोल रहे हैं। तो दी क्राउड मटर्ड वो है वर्ब, कैसे बोल रहे हैं वो एंग्रीली, तो ये हो गया एंग्रीली आपका एडवर्बियल। ओके तो यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं वो हमने थ्री कॉलम में सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्बियल के कॉलम में हमने डिवाइड किए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडवर्बियल है। अब उसके बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दी गई है एस वी ओ ए, उसका मीनिंग है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल। सम सेंटेंसेस हैव बोथ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन एडवर्बियल आफ्टर द वर्ब। सम सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बोथ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन एडवर्बियल, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में एडवर्बियल, दोनों आपको कई सेंटेंस में दिए गए होते हैं। तो इसमें आपको कॉलम में दिए गए एग्जाम्पल के फॉर्म में जिसे हमें लर्न करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल। तो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें द ब्रीज यानी कि पवन की लहरें वर्ब स्केटर हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या, किसको ब्रीज किसको लहरा रहे हैं, किसको स्केटर कर रहे हैं, तो किसको, तो किसको, इसका आंसर आता है दी लीव्स को, तो लीव्स हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। कहाँ किस प्लेस को, तो अराउंड दी गार्डन, गार्डन के आसपास, तो ये हो गया आपका एडवर्बियल। सेकंड सेंटेंस देख रहे हो वी सो अ मूवी लास्ट वीक, यानी कि वी तो हम, हमारी बात की गई है तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट, देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, तो उसका वर्ब है सो, किसको देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, तो ये मूवी देख रहे हैं, तो मूवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट। किस टाइम, तो लास्ट वीक हमने देखा था, तो लास्ट वीक हो गया यहाँ पे एडवर्बियल। थर्ड सेंटेंस है इसमें द क्लर्क टुक द फाइल्स विदाउट टेलिंग एनीवन, तो दी क्लर्क, क्लर्क की बात की गई है, तो ये हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या कर रहा है, टुक ले रहा है, तो लेने की यहाँ पे उसकी एक्शन है, तो जो भी एक्शन है, जो भी हम एक्शन क्रिया करते हैं उसको कहते हैं यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब हो गया यहाँ पे टुक, क्या टुक किया उन्होंने, तो वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दी फाइल्स विदाउट टेलिंग एनी वन, किसी को बताए बिना, तो विदाउट टेलिंग एनी वन हो गया है यहाँ पे एडवर्बियल। ओके रिमेंबर दैट द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस होम और वॉट आफ्टर द वर्ब, यहाँ हमको कहा गया है कि आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट का आंसर है वो कैसे आएगा, तो वो टू जो हमारे WH वर्ड से, उससे हम जब क्वेश्चन करते हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है फर्स्ट है whom और सेकंड है व्हाट, तो ये टू जो हमारे WH वर्ड से, उससे हम क्वेश्चन करते हैं तभी उसका आंसर आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, ये इसका रूल्स है, ये आपको याद रखना है। अब एक्सरसाइज नंबर टू आपको दी गई है, राइट द फॉलोइंग करेक्टली इन द कॉलम्स बिलो मैम। तो सेकंड जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको फर्स्ट सब्जेक्ट है वो फाइंड करना है, सेकंड उसमें वर्ब फाइंड करना है, थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड फोर्थ एडवर्बियल। ओके
तो फर्स्ट हमने देखा एस वी ए, सेकंड हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर एस वी ओ ए. ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2. इसमें हमें ये रिमेंबर रखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो एडवर्बल के बिफोर ऑब्जेक्ट होगा. ओके, लास्ट में एडवर्बल होगा. और दूसरा हमें ये याद रखना है कि वर्ब के आफ्टर ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के आफ्टर एडवर्बल. तो फर्स्ट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, फिर आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब, नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में एडवर्बियल. तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, उसकी पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं. राइट द फॉलोइंग करेक्टली इन द कॉलम्स बिलो. नीचे जो आपको कॉलम्स दी गई है उसमें आपको करेक्ट फॉर्म में आंसर लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस है आई जॉइन दी अदर्स एट द स्कूल गेट्स. तो आई यानी कि मैं, उसमें आई वो आपको दिया गया है सब्जेक्ट. तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखना है आई. क्या किया आपने, ज्वाइन किया, आपकी एक्शन क्या थी ज्वाइन करने की, तो वो हो गया आपका वर्ब. किसको ज्वाइन किया आपने, दी अदर्स को. तो दी अदर्स आपका ऑब्जेक्ट. कहाँ, एट दी स्कूल गेट्स, मैंने स्कूल गेट्स पर उन लोगों को ज्वाइन किया अपने साथ. तो एट दी स्कूल गेट्स वो हो गया एडवर्बियल. सेकंड सेंटेंस दी वर्कमैन मेक्स दी स्टैचू हियर. तो फर्स्ट किसकी बात है, दी वर्कमैन की. तो वर्क, दी वर्कमैन है आपका सब्जेक्ट. वो क्या एक्शन करते हैं, तो मेक्स यानी कि बनाने की, तो मेक्स आपका वर्ब. क्या मेक करते हैं, तो दी स्टैचू. तो दी स्टैचू बनाए उन्होंने, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट. और कहाँ, तो हियर यहाँ, तो वो हो गया एडवर्बियल. थर्ड सेंटेंस में देखते हैं वी मेक मिस्टेक्स क्वाइट ऑफ टेंट. तो सबसे पहले किसने मिस्टेक की, तो वी यानी कि हमने, तो वो हो गया सब्जेक्ट. फिर मेक, क्या किया हमने, तो मिस्टेक्स वो हो गया ऑब्जेक्ट. क्वाइट ऑफन, सॉरी यहाँ पे ऑफ टेन नहीं था, मुझे ऐसा रीड हुआ, ऑफन यानी कि बार बार. उसका मीनिंग क्या हो जाता है, वी मेक मिस्टेक्स क्वाइट ऑफन, हम बार बार बहुत ही मिस्टेक करते हैं. तो हम सब्जेक्ट, मेक जो करना है वो वर्ब, क्या करते हैं, तो मिस्टेक्स क्वाइट ऑफन, उसका मीनिंग है बार बार करना. तो ये हो गया एडवर्ब. फोर्थ सेंटेंस में आई सेल मीट यू द डे आफ्टर टूमोरो. तो फर्स्ट किसकी बात है, आई यानी कि हम सेल मीट. यहाँ आप देख रहे हो आपको टू वर्ब दिया गया है, प्राइमरी वर्ब है और उसके साथ मेन वर्ब है सेल मीट. किसको मिलने वाले हो आप, तो यू तुम्हें, तो ये है ऑब्जेक्ट. कब, तो द डे आफ्टर टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो को मिलने वाले हैं, तो ये है एडवर्बियल. फिफ्थ सेंटेंस में द फॉक्स वॉच्ड द क्रो स्लाइली. तो किसकी बात है इसमें, द फॉक्स की, तो वो द फॉक्स है आपका सब्जेक्ट. यहाँ पे वॉच
उसको देख रहा है, वॉच करता है. तो वॉच वो हो गया वर्ब. किसको? दी क्रो को. कैसे? तो स्लाइली. तो ये है एडवर्बियल. सेकंड है उसके बाद दी टेलीफोन ट्रांसमिट साउंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. किसकी बात की है? टेलीफोन की. दी टेलीफोन सब्जेक्ट. नेक्स्ट है उसमें वर्ब ट्रांसमिट्स. किसको ट्रांसमिट करना है इसमें? साउंड को. तो साउंड हो गया ऑब्जेक्ट. किस वक्त? तो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस से. कहाँ से? तो लॉन्ग डिस्टेंस से. तो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यहाँ पे एडवर्ब है. एडवर्बियल. सेवन सेंटेंस. यू मस्ट ईट समथिंग बिफोर द एग्जामिनेशन. तो यू मस्ट, तो यू की बात की गई है तुमको. तो यू है सब्जेक्ट. मस्ट ईट, तो मस्ट है आपका यहाँ पे मॉडल वर्ब और ईट यहाँ पे मेन वर्ब. तो हम वर्ब में लिखते हैं मस्ट ईट. क्या ईट करना है? समथिंग. तो समथिंग है ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या ईट करना है उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन कहा गया है समथिंग, यानी कि कुछ आपको ईट करना है समथिंग. कब? तो बिफोर द एग्जामिनेशन. वो हो गया एडवर्बियल. नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय किक्ड द बॉल ओवर द बुश. तो कौन किक कर रहा है? तो द बॉय किक कर रहा है. तो एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है द बॉय. किक करना यानी कि लात मारना. तो ये हो गई आपकी एक्शन, उसे कहते हैं हम वर्ब. क्या किक करता है? दी बॉल. कहाँ पे? ओवर दी बुश. ये है एडवर्बियल. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, नाइन्थ सेंटेंस आपका. वी शो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हियर एंड देयर. हमने देखी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हियर एंड देयर. वो आपको दिया गया है यहाँ पे प्लेस, यहाँ एंड वहाँ. तो किसने देखी सबसे पहले? तो हमने. तो यहाँ पे वी. क्या एक्शन की हमने? सो. तो वो है वर्ब. क्या देखा? ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखी. तो ये है ऑब्जेक्ट. एंड कहाँ पे? हियर एंड देयर. तो ये है एडवर्बियल. ओके. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें आपने सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल. ओके. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 26 है, जो है एडवर्बियल, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 2 स्ट्रक्चर है वो लर्न किए और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ कंप्लीट होती है. गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.